आज तो मैं इतना सजूंगी कि आप मुझे देखते ही रह जाएंगे। और फिर देखती हूँ आप मुझसे दूर कैसे रहते हैं। अरे लगता है राहुल आ गए। राहुल आप आ गए, लीजिए पानी। कुछ हुआ क्या? आप नर्वस लग रहे हो। थोड़ी सी तबीयत मेरी खराब है, सिर दर्द हो रहा है। अरे फिर आप एक काम कीजिए, मैं कॉफ़ी बना देती हूँ आपके लिए, आप आराम कीजिए, फिर मैं आपकी मालिश कर देती हूँ। चलो जाओ, मैं आती हूँ कॉफ़ी बना के। ये लीजिए। तो अच्छा ठीक है, अब आप यहाँ पर लेट जाइए, मैं बाम लेके आती हूँ। जरूरत नहीं है, मैंने दवाई ले ली थी, अच्छा हो जाएगा, मालिश की कोई जरूरत नहीं है। अरे ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको मालिश करूँ तो क्या प्रॉब्लम है? आइए ना, यहाँ पर लेट जाइए। बस अब ठीक लग रहा है मुझे। राहुल सोते रहिए ना, मैं आपको थोड़ा। जरूरत नहीं है। मेरे पापा सही कहते थे कि मेरे हाथों में जादू है, मेरा हाथ छूते ही आप सही हो गए ना। राहुल एक मिनट। हाँ बोलो, क्या अभी के अभी आना पड़ेगा? ठीक है मैं आ रहा हूँ। हाँ ठीक है। राहुल आप कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ मुझे थोड़ा काम आ चुका है तो मुझे जाना ही पड़ेगा। काम तो मुझे भी था, लेकिन आपकी तबीयत सही नहीं थी तो मैंने नहीं बताया। हाँ बोलो ना, क्या काम था? क्या सच में आपको कुछ भी नहीं पता? कुछ भी तो मतलब क्यों, क्या है? आज कुछ खास दिन है। खास दिन? देखो पहले मत उलझाओ, जो कुछ भी साफ साफ बताओ, मुझे लेट हो रहा है। राहुल आज हमारी शादी का पहला सालगिरह है। हाँ तो मैं सोच रही थी कि आज हम कहीं घूमने जाएंगे, क्या आप थोड़ा सा जल्दी आ सकते हैं? मैं नहीं आ सकता जल्दी, मुझे बहुत सारे काम हैं जो मुझे आज के बाद निपटाना है। अगर तो तुम्हें कहीं घूमने जाना है, शॉपिंग करने जाना है, तो मैं तुम्हारे बैंक में मनी ट्रांसफ़र कर दूंगा, तुम शॉपिंग करके घूम के आ जाना, फिलहाल मुझे लेट हो रहा है। राहुल बात पैसों की नहीं है। तो फिर क्या बात है? मुझे आपका थोड़ा टाइम चाहिए। हमारी शादी को एक साल हो गया, एक साल में एक भी दिन ऐसा नहीं है कि जो हमने एक दूसरे के साथ बिताया। मैं तो आपको समझ ही नहीं पाई कि एक साल हो जाने के बावजूद भी आज तक मुझे ऐसा प्यार नहीं मिला जो एक पत्नी को मिलना चाहिए। ऐसा क्यों राहुल, क्या मेरे में कुछ कमी है?
कह दिया तुम्हें जो कहना था, अब मुझे लेट हो रहा है, मैं जा रहा हूँ। नहीं राहुल, आज आपको मुझे जवाब देना ही होगा। इतना वक्त हम साथ में रहे, फिर भी हम साथ क्यों नहीं है? क्या ये शादी आपकी मर्जी के बिना हुई थी, या फिर आप किसी और को प्यार करते हो? बात क्या है राहुल, आज आपको मुझे बताना ही होगा। बोलिए ना राहुल, क्या मेरे में कोई कमी है या मैंने कोई गलती की है? बात क्या है राहुल, कुछ तो बताइए। देखो, फिलहाल मैं इस बारे में कुछ बात करना नहीं चाहता, समझी? राहुल, कुछ तो बताइए, ऐसे क्या बात है? मतलब हम साथ में होते हुए भी साथ क्यों नहीं? देखो, इस बारे में पहले भी मैं बात कर चुका हूँ तुमसे। अगर तुम्हें मुझसे कोई प्रॉब्लम है तो तुम जा सकती हो अपने बाप के घर रहने, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं अकेला ही ठीक हूँ। राहुल, अब इससे ज्यादा मुझ में सहने की हिम्मत नहीं रही। आज तक तो मैं ये सोच के सहती रही कि आज नहीं तो कल मुझे आपका प्यार मिलेगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आप तो यही चाहते हैं कि मैं ये घर छोड़ के ही चली जाऊं। और ठीक है, अगर आप यही चाहते हैं तो मैं चली जाऊंगी, और मैं आज ही मेरे पापा जी के घर चली जाऊंगी। ठीक है, फिर यही सही, तुम्हें जैसा ठीक लगे वैसा करो। मुझे काम, मुझे लेट हो रहा है, मैं जा रहा हूं। मैंने इसे क्या पाप किए थे जो मुझे ऐसा पति मिला जिसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि मैं इस घर में रहूं या जाऊं? लेकिन नहीं, अब जबरदस्ती रिश्ता रखने का कोई मतलब नहीं, मुझे पापा के घर जाना ही होगा। अब मैं नहीं रह सकती यहां, नहीं रह सकती। आज राहुल के आने से पहले ही मैं चली जाऊंगी। राहुल की हॉस्पिटल की फाइल। राहुल की ट्रीटमेंट चल रही है। राहुल ये राहुल इतना बड़ा धोखा, नहीं, राहुल मुझे इतना बड़ा धोखा नहीं दे सकते। मेरे साथ इतना बड़ा धोखा नहीं हो सकता। अब मैं क्या करूं? मुझे तो लगा था कि मैं थोड़े दिन पापा जी के घर चले जाऊंगी तो उनको मेरी याद आएगी, थोड़े ही दिनों में वो मुझे वापस लेने के लिए आएंगे। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। राहुल कभी नहीं आएंगे, राहुल मुझे वापस लेने के लिए कभी नहीं आएंगे। राहुल,
तो मैं बिल्कुल यहाँ नहीं रह सकती, अब तो मुझे जाना ही होगा। अरे रिया, तुम ऐसे अचानक? हाँ पिताजी, बस आपकी याद आ गई और चली आई। क्या हुआ बेटी, तुम दुखी लग रही हो? और अकेली आई, राहुल भी साथ में नहीं आया? हाँ पापा, आप तो कहते थे कि शादी के बाद बेटी का घर उसका ससुराल ही होता है, लेकिन मेरी किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अरे बेटी, कहना क्या चाहती है? मेरी समझ में नहीं आया। अरे तू राहुल के साथ झगड़ा करके आई है क्या? अरे बेटी, पति पत्नी के बीच में तो ऐसा चलता ही रहता है। तुझे पता है, तेरी माँ कभी कभी रूठकर चली जाती थी, फिर 5-10 दिन के बाद मैं उसको मना के वापस ले आता था, लेकिन देखना, ये राहुल तो 1-2 दिन भी नहीं रह पाएगा तेरे बिना। ये रिया भी ना बिल्कुल अपनी माँ पर गई है। पापा, कैसे बताऊं मैं आपको कि प्रॉब्लम क्या है? माँ अगर जिंदा होती तो उसको तो मैं बता भी देती, लेकिन एक बाप को एक बेटी ऐसी बात कैसे बता सकती है कि उसका पति नामर्द है? क्या करूं मैं? पापा को ये बात मैं कैसे बताऊं? चलो बेटा, आज तो साथ में बैठकर चाय पीते हैं। लो। बेटी, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, थोड़े दिन में सब ठीक हो जाएगा, ठीक है? और बेटी, तेरी माँ के जाने के बाद मैं ही तेरा बाप हूं और माँ भी, इसलिए तू तेरे मन की कोई भी बात हो मुझे बता सकती है। बेटी, कोई बड़ी बात तो नहीं है ना? देखो, छोटे बड़े झगड़े तो पति पत्नी के बीच में होते ही रहते हैं, लेकिन दरार इतनी भी बड़ी नहीं पड़नी चाहिए कि रिश्ते ही खत्म हो जाए। अगर तुम कहो तो राहुल को घर पे बुला के मैं ही बात कर लूं। पापा, अब राहुल को घर पे बुलाने का कोई मतलब ही नहीं है। मैं कुछ समझा नहीं बेटा, ऐसी तो कौन सी बात हो गई कि तू इतनी टूट गई? रिया, कोई भी प्रॉब्लम हो उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन होता है, और बात करने से ही बात बनती है ना। पापा, मैंने आज तक आपकी हर एक बात मानी, आपने जो कहा मैंने वो ही किया, आपने राहुल से शादी करने के लिए कहा मैंने वो भी कर दी, लेकिन आज आपको मेरी एक बात माननी पड़ेगी, आप मेरे और राहुल का डिवोर्स करवा दीजिए। अब मैं राहुल के साथ नहीं रह सकती। लेकिन बेटा। पापा, आपको आपकी बेटी पे इतना भरोसा तो होगा ही ना कि मैं अपनी लाइफ के लिए कोई गलत फैसला नहीं ले सकती। ठीक है बेटा, जैसा तुम्हें सही लगे।
कैसे बताऊं पापा कि इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन नहीं, और ना ही मैं आपको प्रॉब्लम बता सकती हूँ। नहीं रह सकती मैं राहुल के साथ, और ना ही उसके बिना। लेकिन अब डिवोर्स करना ही पड़ेगा, और कोई सॉल्यूशन नहीं, कोई भी नहीं।